थैंक यू सो मच। और आज क्या मेन उद्देश्य आप यहाँ पे आई हूँ? ओके, हमारा फोटो शूट चल रहा है, सिंगर दिलबाग सिंह हैं, अभी मीका सिंह भी आते ही होंगे, और डीजे सुमित सेठी और मिलिंद गाबा ने कंपोज किया है, तो उसके प्रमोशन के लिए ये फोटो शूट हो रहा है, और वीडियो ऑलरेडी हम लोग शूट कर चुके हैं। गाना किस टाइप का होने? इट्स अ वेरी पार्टी ग्रूवी नंबर, आई मीन आप जैसे ही सुनेंगे आपको नाचने का मन करेगा, ऐसा नंबर है ये। जैसे गाना मीका सिंह हमेशा देखते हैं, रैप होता है, थोड़ा सा इमोशनल, हाँ उसी की तर्ज पे ये भी है। तो आप इसमें मेनली निभा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आपका किस टाइप का किरदार होने वाला है, उस बारे में बताइए। किरदार मैं एक पार्टी गर्ल हूँ जो डांस करना पसंद करती है, और वी आर हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर एंजॉयिंग इन अ वेरी पार्टी सेटअप, सो दैट काइंड ऑफ थिंग इट इज। कितना एंजॉय कर रहे हैं इस पार्टी में? कितना एंजॉय कर रही हूँ? बहुत ज़्यादा, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या आने वाला है, उसके बारे में? मैं एक मूवी भी कर रही हूँ सनी लियोनी और राम कपूर के साथ, इट्स कॉल्ड कुछ कुछ लोचा है, वो रिलीज होने वाली है May 8 को, तो उसमें भी मैं एक बहुत अहम किरदार निभा रही हूँ। शी इज़ अ वेरी स्वीट एंड डाउन टू अर्थ गर्ल, आई मीन जो लोग कहते हैं कि आप बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं तो उनके एटीट्यूड होते हैं, उनके टैंट्रम्स होते हैं, मैंने उनके साथ काम करके ऐसा बिल्कुल फील नहीं किया कि उनके कोई भी टैंट्रम्स होंगे। राम कपूर तो अपने आप में एक महान एक्टर्स है, तो उनके साथ एक्टर है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो आई मीन ही इज़ अ बाइकर एंड इवन आई एम अ बाइकर, तो हम लोग जब सेट पे थे तो वी गॉट टू नो कि हम दोनों बाइकर्स हैं, तो उस हिसाब से हम जेल हुए हैं कि चलो कभी राइड पे चलते हैं ऐसा, सो ही इज अ वेरी कूल चिल्ड आउट मैन, ऐसा है। पार्टी सीक्वेंस जब आप पार्टी शूट कर रहे थे वीडियो, हाँ, तो ऐसा कोई दो मतलब इमोशनल या फिर कोई दो मोमेंट ऐसा बताइए जो आप बहुत ही फनी था या फिर बहुत ही इमोशनल हो चुका था? बहुत ही फनी था, ऑफ कोर्स इमोशनल तो नहीं था, फनी ही होगा, पार्टी नंबर शूट कर रहे थे तो इमोशनल तो नहीं होना चाहिए। फनी इंसिडेंट्स, हम लोग एक शॉट दे रहे थे जहाँ मार्टिनी के ग्लासेस थे और चार लोग हम लोग खड़े हुए थे, एंड वी हैव अपने बिना मतलब हाथ हाथ छोड़े हुए ऐसे ही पीना था उसको, तो हमारे पीते पीते ग्लास टूट गया, दांत में ही टूट गया, तो दैट वाज रियली फनी, दो तीन लोगों के साथ ऐसा हुआ, सो इट वाज रियली फनी फॉर अस। तो पार्टी का जो विजुअल शूट हुआ उसमें वो डाला गया इमोशन जो सीन ऑफ कोर्स टूटा हुआ तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ परफेक्ट सीन दिखाया गया है उसमें। नहीं, आपको लगता है कि अगर वो डाला था तो और ही अलग विजुअल बनता था? नहीं, फिर वो गैग्स बन जाते जो फनी गैग्स होते हैं, तो वी कांट शो दैट। चलिए, मीका सिंह के साथ काम करके बहुत ही अच्छा रहा, आई मीन ही इज अ वेरी जेन्युइन मैन, ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत अदब से बात करते हैं, एंड वेरी डिसेंट मैन। आज जो फोटो शूट होने वाला है उसके बारे में बताइए कि क्या किस डेस्ट में फोटो शूट होने वाला है और कैस किस तरह किस क्या फोटो शूट आज जो होने वाला है उसके बारे में बताइए डिटेल्स कि क्या किस तरह की फोटो शूट होने वाले और किस लेवल। ये भी बिल्कुल गाने की स्पिरिट को लेते हुए ही ये भी फोटो शूट हो रहा है, जहां हम लोग बहुत फनी एलिमेंट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। वी विल बी यूजिंग सम बॉटल्स, क्योंकि इस बॉटम्स अप में हम लोग ने बॉटल्स और ड्रिंक्स और ये सब काफ़ी यूज़ किया है, तो वो भी यूज़ करेंगे हम, एंड हाँ इस टाइप का रहेगा ये। सर लास्टली, आप किस फैशन डिजाइनर को सबसे ज़्यादा मानते हैं कि ये मेरी लाइफ का फैशन डिजाइनर? मेरी लाइफ का फैशन डिजाइनर, ओके, अच्छा, वेल मुझे अगर मतलब चांस मिले तो मैं सब्या सची जो हैं उनके डिज़ाइंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अगर जब मेरी शादी होगी कभी तो मैं उनका लहंगा पहनूंगी, उनका डिज़ाइन किया हुआ। अच्छा अवंतिका, कौन सा ऐसा मेल एक्टर है जिसका स्माइल आपको काफी पसंद आता है? मेल एक्टर जिनका स्माइल पसंद आता है मुझे, अच्छा, ऋतिक रोशन। एन एक्ट्रेस? एक्ट्रेस कंगना रनौत। लास्ट अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ये वीडियो हमने बहुत ही मस्ती में बनाया है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी एंजॉय करें, और बहुत ही पार्टी ग्रूवी नंबर है, आई एम श्योर यू गोना लाइक इट, सो प्लीज डू वॉच इट। क्वेश्चन बोल रहे हैं, आपको एक बोल सुनाना होगा उस गाने का। बोल सुनाना होगा, अभी मैं बोल ही रही थी कि मेरी आवाज़ बैठी हुई है तो मैं गा नहीं पाऊंगी, आप ज़रूर दिलबाग सिंह से कहिएगा, वो आपके लिए गा देंगे। कोई बात नहीं, चलता है। आई एम सो सॉरी, आई कांट सिंग राइट नाउ। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
पहले ले लेते तो भाई। हाँ सर यहाँ मैम यार पीछे से लूप में डाल क्या है कार्ड पे कर रहे हो जी मेरा ये बिल्कुल नया ब्रांड न्यू गाना है वार्डम साहब जैसे एक मिनट यार जी सबसे पहले तो मैं आपको अपना गाना सुनाऊंगा ये जो बॉटम साहब गाना है मेरा नया शूट हुआ है टाइम्स म्यूजिक से आ रहा है इस गाने में मैंने इस गाने को गाया है म्यूजिक इसका सुमित सेट्टी ने किया है रैप बाय म्यूजिक एम जी और इसमें फीचरिंग है मीका सिंह जी जो मेरे मेंटोर हैं और अपने आप में बड़ा नाम है उसके बाद इसमें एक बड़ी अच्छी मॉडल और हीरोइन है अवंतिका वो भी इस वीडियो में फीचरिंग कर रही है तो ये अपने आप में बड़ा गाना है और टाइम्स म्यूजिक से ये गाना आ रहा है तो पहले मैं आपको गाना सुनाता हूँ बोला होटल नी मेरे यार सारे रात है हसीन जेड़ा अज ना पिए ओ साला कमीन टल्ली मेरे यार सारे रात है हसीन
जेड़ा अजना पिए ओसा लकमीन दुनिया भुला के यारा लक नु हिला के यारा ग्लास उठा के तू हवा च हाथ च बॉटम्स अप अज भी के पैनी खा बॉटम्स अप अज भी के पैनी खप नहीं नहीं मैं कॉपी करूंगा जी मैं कॉपी ही करता हूं उनको ऐसा नहीं कि मैं कॉपी नहीं करता पर मैं बहुत सारे लोगों को कॉपी करता हूं मिका जी इज माय मेंटर उनसे वो मेरे गुरु हैं मैंने जो म्यूजिक की शिक्षा है उनके फादर से ली है जो अजमेर सिंह चंदन जिनका नाम है जो अभी भगवान को प्यारे हुए और जो पूरा जो स्टेज परफॉर्मेंस है वो मैं मिका जी से सीखा हूं क्योंकि मैंने उनके साथ एज अ बैकअप वोकलिस्ट काम भी किया बहुत टाइम तक और मेंटर हैं तो मैं उनको कॉपी भी करता हूं तो समझ लीजिए कि मैं कॉपी करता हूं अवंतिका इज अ वेरी गुड डांसर मैं इतना अच्छा डांसर नहीं हूँ तो वीडियो में आपने बड़े अच्छे स्टेप देखेंगे जो अवंतिका और बहुत मशहूर एजेंसी है दिल्ली की उन्होंने किया है और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था यहाँ पर अब बहुत बड़े वीडियो डायरेक्टर हैं क्लॉसेस जिन्होंने वीडियो किया है लवल अरोड़ा और अजय अरोड़ा उन्होंने अपने आप में बहुत सारे बड़े बड़े वीडियो किए हैं तो इस वीडियो से उनका कॉन्सेप्ट था कि जो हीरोइन है वो सब डांस करें क्योंकि डांस नंबर है पर मैं अच्छा डांसर नहीं हूँ तो मैं डांस नहीं कर पाया तो लेकिन अवंतिका ने बहुत अच्छा डांसर किया और बहुत अच्छा डांस किया पूरे वीडियो में और शी इज़ वेरी क्यूट वेरी हॉट आल्सो गाने का मोटो क्या है गाने का मोटो यंगस्टर जितने भी यंगस्टर पार्टी इट्स अ पार्टी नंबर जितने भी यंगस्टर है पार्टी पीपल हैं जिनको गाना जिनको पार्टी में जाना है नाचना है कूदना है ये गाना हमने उनके लिए बनाया है और स्पेशली ऐसा गाना है जो हर डीजे पार्टी में कहीं पर भी चलेगा वो सुना चुका हूँ पहले प्रिविलेज फील करता हूँ जी बिल्कुल क्योंकि मिका सिंह और दलेर मेहंदी बहुत बड़े नाम हैं दलेर मेहंदी को तो ही इज़ द पॉप स्टार जिसने दुनिया को सिखाया कि पॉप म्यूज़िक होता क्या है वही मेरे ख्याल से पॉप म्यूज़िक को इंडिया में लाने वाले वही लोग हैं तो उनके साथ अगर मेरा कोई मुझे कंपैरिजन करे या मुझे मिलाए तो मुझे बड़ी खुशी होती है और ये प्रिविलेज की बात है बड़ी खुशी की बात है कि मुझे लगना चाहिए सबको कि मैं उसके जैसा हूँ और मिका सिंह मेरे गुरु हैं तो उनके बड़े सारी आदतें मेरे अंदर हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को रिजेंबल करता हूँ कि मैं मिका सिंह हूँ कई बार मैं फ़ोन पे बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि आप मिका सिंह के स्टाइल में बात कर रहे हो लेकिन वो मेरे अंदर अपने आप आ गए तो मैंने इसको ऑब्जर्व कर लिए सो आई फील प्रिविलेज मेरी बेस्ट विशेज है मैंने जो लास्ट अभी शूट से पहले देखा था वो इंडिया 302 पर ऑल आउट हुई है ऑल आउट नहीं सिक्स आउट हुए तो अभी बांग्लादेश में खेल बैटिंग कर रहा है तो मेरी बेस्ट विशेज उनके साथ हैं मैं तो चाहता हूँ वो जीते और फाइनल फाइनल तक पहुँचे फाइनल जीत कर आए और उसके बाद फिर से हम लोग सेलिब्रेशन करें और मेरा गाना ये हर जगह बजे तो कोई भी गाना वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है हारी बाजी को जीतना जिसे आता है अरे निकले मेघ मैदान में जिस दिन हम झूम के धरती डोलेगी ये पवन चूम के वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है सो मैं चाहूंगा कि वो सिकंदर बनके इंडिया में वापस आए जीत कर पूरा वर्ल्ड कप साथ लेकर वापस आए और हम इतिहास को दोबारा से दोहराएं तो मेरी बेस्ट विशेष सबके साथ है लास्टली अपने ऑडियंस को जानना चाहेंगे इस गाने को लेकर अपनी ऑडियंस को जानना मेरी जितनी भी ऑडियंस है उनको मैं ये बोलूंगा कि मेरा कीप सपोर्टिंग मी कीप लविंग आई एम सिंह दिलबाग जो मेरा हैशटैग है कहीं पर भी आप पूरे चैनल पे किसी भी जगह पर आप किसी भी डिजिटल पे प्लेटफॉर्म पे आप हैशटैग डाल के आई एम सिंह दिलबाग डालोगे तो आपको वहाँ पर मैं मिलूँगा सो कीप सपोर्टिंग कीप लविंग मी और मुझे इनकर्ज कीजिए मुझे अपने आइडियाज़ बताइए फेसबुक पर नए नए कि आपका आइडियाज़ क्या है आप कौन से आइडियाज़ पर गाना सुनना चाहते हैं तो मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस लेवल पर जाके गाने बना सकूँ और आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ थैंक यू वेरी मच शुक्रिया इस गाने को जो इस गाने के बोल रहे हैं बॉटम्स अप हमने उसी तरीके से पिक्चराइज किया है बहुत हॉट वीडियो है अच्छा वीडियो है कलरफुल वीडियो है और दिलबाग जी के साथ हमारी एक अच्छी मॉडल है जिनको हमने एज अ फॉर्मर पिक्चराइज किया है और पूरे फिल्म में डांस 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 तो आपके माइंड में कब कैसे आया कि ये सॉन्ग गाना गाया जाए और इनमें इनको लिया जाए और मिका जी को लिया जाए
ये तो माइंड में जब ये हमें गाना सुनाते हैं तभी आ जाता है, ये तो कुदरत की देन है। और फिर हम इनसे बैठ के डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हम ये सोच रहे हैं ये करना चाहिए। फिर जब ये गाना बनाते हैं इनके माइंड में बनाते हुए कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं, वो आपस में शेयर करते हैं और उसके हिसाब से हम अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ? दिलबाग जी के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इनके साथ मैंने ये तीसरा वीडियो किया है, विक्टोरिया सीक्रेट और थोड़ी सी जुबली है। और मिक्का जी के साथ तो ऑलरेडी हमने 5 वीडियो किए हुए हैं, और सुमित के साथ हमने 3 वीडियो किए हुए हैं, और अपना मिलन के साथ मेरा ये तीसरा वीडियो है, तो अवंतिका के साथ पहला वीडियो है। तो सब एक फैमिली की तरह से हैं और फैमिली की तरह से काम करते हैं और हमेशा फैमिली की तरह से काम करते रहेंगे। दिलबाग जी के साथ जब शूटिंग हो रहा था तो कुछ मोमेंट ऐसे हैं जिसको आप नहीं भूल पाया, बहुत ज़्यादा फनी थे या फिर बहुत ज़्यादा मस्ती चल रही थी सेट पे? दिलबाग जी की खुद की पर्सनैलिटी ऐसी है जो हम कभी नहीं भूल पाते हैं। नहीं, कितना मोमेंट क्या है इनके साथ, हम बिना सेट के भी बैठते हैं तब भी ऐसे ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं जो हम कभी नहीं भूल पाते। तो आपस में मस्ती सब चलती रहती है एक तरह से, सेट के ऊपर, ऑन सेट, ऑफ सेट शोज के ऊपर, या किसी और की शूट चल रही है तब भी हम मिलते हैं इनको, तो भी मोमेंट्स बनते हैं। पर्सनालिटी इतनी पावरफुल है उनकी। दिलबाग जी इतने तारीफ की, आपका भी कुछ बनता है इनको? नहीं, ये खुद में बड़े पर्सनालिटी बनते हैं और ये बहुत ही फन लविंग पीपल है ये। और हमारे हैंडसम डूड है वो अजय जी, वो आए नहीं आज, तो वो कहीं बिजी हैं, वो एडिटिंग के लिए बैठे हुए हैं हमारे वीडियो पे। तो ये बड़े मजाकिया फनी है, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं, क्योंकि बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं डांसर अच्छा नहीं हूँ, पर इस वीडियो में डांस बहुत चाहिए था, तो मैं अच्छा, मुझे डांस करना नहीं आता है, तो बहुत एनर्जी डलवाई मुझसे बड़ी बातें करी मुझे बहुत, जब मैं थोड़ा सा थक जाता था मुझे कुछ ना कुछ बात सुनानी जिससे मैं पंप अप हो जाता था। तो ये बड़ी अच्छा है और बड़े ही प्यारे हैं, बहुत बड़े हैं, और नाम इनका जितना बड़ा है उतने ये हम्बल हैं अपने आप में। ऐसे लोग कम होते हैं, नाम बड़ा होते हैं, उनकी जरा इमेज और स्टाइल चेंज होता है, लेकिन ये बड़े हम्बल हैं, तो मुझे इसीलिए बड़े पसंद है। इनके साथ हमने तीसरा वीडियो ये शूट किया है, और जो मेरे 2 वीडियो पहले थे वो भी इनके साथ शूट किए। थैंक यू। फोटोशूट, हाँ, हम लोग सब कई दिनों बाद फोटोशूट कर रहे हैं ये, और बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स अ वेरी फन शूट, जैसे हमने वीडियो शूट किया था इट वाज वेरी फन, ग्रूवी, पेपी, उसी तरीके से ये भी कर रहे हैं। वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन हियर। या कैसा एक्सपीरियंस रहा मीका जी के साथ? मीका जी के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ही इज़ अ वेरी डिसेंट, सिंपल, स्वीट मैन, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। और जैसे उनके बारे में कहा जाता है बहुत प्रैंक्स खेलते हैं ये वो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सेट पे भी, और ही वाज वेरी डिसेंट। या कितना आप एंजॉय कर रहे थे गाने के दौरान जो शूटिंग कर रहे थे? क्योंकि ये म्यूज़िक ही इसका इतना ग्रूवी और पेपी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इन्जॉय ना करे। तो जैसे ही ये म्यूज़िक बज रहा था वी वर लाइक फुल ऑन, डांस करना है हमें। तो डायरेक्टर के साथ ये पहला आपका मूवी वीडियो था जैसे कि हम जी जानते हैं। हाँ, तो कितना अच्छा लगा आपको डायरेक्टर के साथ काम करने में, या फिर कोई ऐसा मोमेंट? ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि मैं किसी ऑफिस लोकेशन पे आ गई हूँ जहाँ ऐसे काम करना है। इट वॉज लाइक अ फैमिली फॉर मी working this with these people. कोई ऐसा 2 मोमेंट बताइए इस गाना के दौरान, हाँ, फनी मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहने वाला है? फनी मोमेंट, ओके, वी वर शूटिंग, हम लोग मार्टिनी के ग्लासेस यूज कर रहे थे फॉर वन शॉट, और हम लोग को हाथ यूज नहीं करना था, हम 4-5 लोग बार टेबल के सामने खड़े हुए थे, तो जैसे ही हमने पीना शुरू किया ग्लास टूट गए। दैट वाज रियली फनी फॉर ऑल ऑफ अस, पूरा क्रू हंसने लगा था उस पर। और सेकंड, I think this was the most funniest, so I don't think so कि मुझे उसको categorize करना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है, हाँ, तो आप किस तरह से विश देना चाहेंगे और क्या आप एक्सेप्ट करते हैं इंडिया से? I want my Indian team should win, of course, तो बहुत मेहनत करते रहें वो और आगे बढ़ते जाएं जैसे अभी बढ़ रहे हैं, बस I am wishing them all the best. तो लास्टली अपने गाने के लिए भी ऑडियंस को कुछ बोल दीजिए, कैसा गाना है और किस तरह से प्रमोशन करवाना है? किस तरह से प्रमोशन कराना है? अच्छा, वेल, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और आई एम श्योर कि आप इन्जॉय ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पार्टी ग्रूवी नंबर है, और जैसे ही आप इसको सुनेंगे आपको थिरकने का मन करेगा, तो देखिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
हाँ मैं क्या होस्ट कौन है, एंकर कौन है? हेलो मैं क्या, हेलो संजय, मैं पूछ रहा हूँ एंकर कौन है, होस्ट मिल गया? ओके ओके करो. बिल्कुल जी बिल्कुल. बिल्कुल जी, रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया एंड हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने सेंचुरी बना दी है. और उनके लिए यही बोलूंगा, जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचा है तुझे तेरे बाद से. तो मैं बांग्लादेश को, बांग्लादेश की टीम को बोलूंगा, जाने क्या होना है, जाने क्या खोना है, तेरी जवानी है, जादू है, टोना है, जन्म में आंधी है, आंधी में तू बहे, कर देना मुझको तबाह. शुभकामनाएं, मैंने बहुत अच्छा एक सॉन्ग बनाया है बॉटम्स अप, और
जिसके अंदर मैं भी दो मैंने लाइनें भी गाई हैं और बहुत अच्छा सॉन्ग है, डांस भी मैंने करा है और जैसे कि दिलबाग शुरू से ही मेरे साथ छोटे भाई की तरह रहा है, सो आज मैं इसको प्रमोट भी कर रहा हूँ बिकॉज ही इज़ ए वेरी गुड सिंगर एंड वेरी टैलेंटेड सिंगर। ऑलरेडी दिल्ली में बहुत इनका नाम है, दिल्ली पंजाब में, तो अब ये वर्ल्ड वाइड इनका नाम है। बिल्कुल, हमारे साथ बहुत मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिलबाग सिंह बोलो। दिलबाग सिंह टल्ली मेरे यार सारे रात है हसीन, जेड़ा अज ना पिए उस लक मीन, दुनिया भुला के यारा लक नु हिला के यारा ग्लास उठा के तू हवा च हाथ च, बॉटम्स अप आज भी के पैनी खप, बॉटम्स अप आज भी के पैनी खप। वी हैव वेरी ब्यूटीफुल गर्ल अवंतिका एंड ये हमारी मॉडल है इस गाने के अंदर, एंड देन वी हैव डीजे स्मिथ the one and only DJ and we have very good rapper Milan, ek rap ho jaye zara. Music MG bhai teri bandi kamar lachka rahi hai, tu hai uska banda pagle taade mujhko ja rahi hai, chori chori dekh rahi hai ek pal bhi na chain hai, iska matlab kaake teri GF meri fan hai meri. Wow, wow, wow. Mika ji ji Dilbaag Singh ne kaha hai ki aapke look like hai, ha aapko baat hai first time ki mere look like hai, baat kya reaction nahi nahi actually Dilbaag मेरे साथ 8-10 साल उन्होंने, जैसे मैंने दिलीप बाजी के साथ काम किया है तो ही यूज्ड टू सिंग विद मी एंड आई थिंक 8-9 साल एक साथ जिसने मेरे साथ काम किया है एज ए लीड सिंगर, और अभी ये खुद अपने आप को इनकी एक यू नो पर्सनल एल्बम आ रही है, पर्सनल म्यूजिक आ रहा है, प्राइवेट एल्बम आ रही है, तो जिसमें म्यूजिक सुमित शेट्टी एंड मिलिंद का है एंड मॉडल आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो बेसिकली मेरी बेस्ट विशेज है और ही इज़ अ वेरी फैंटेस्टिक गाय मेरे भाई की तरह, एंड ऐसा नहीं कि ही लुक्स लाइक मी, ही हैज़ हिज ओन स्टाइल। कोई ऐसा हादसा हुआ था जी आपको समझ के इनको कह दिया कि मीका सिंह वो मैंने पगड़ी बांधी थी इसलिए मीका सिंह साहब से एक चीज क्रिया साथ में हुई हुआ है? हां नहीं, ज्यादातर क्या है कि जैसे पिछले साल मैंने जितने भी मेरे यू नो भाई थे, छोटे छोटे भाई, मैंने सबको सपोर्ट करा, जितने मेरे फ्रेंड्स थे जैसे शिवानी कश्यप थी उनके वीडियो में आया हूँ, देन हिमेश भाई का एक गाना था उनके वीडियो में आया हूँ, हनी सिंह का एक गाना उसके वीडियो में आया हूँ, एक और हमारे कप्तान लाड़ी हैं उनके वीडियो में आया हूँ, तो सबके जब वीडियो में आया तो जो मेरा खुद का यू नो एक स्पेशल क्यूट सा भाई है, तो मैंने सोचा इसके वीडियो में स्पेशल मुझे आके इसको भी प्रमोट करना। मेगा जी आप बहुत पुराने बॉलीवुड के गाने बहुत गाते रहते हैं, अरिजीत सिंह आए हुए हैं बॉलीवुड में, उनकी आवाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेल ही इज़ ए फैंटेस्टिक सिंगर एंड जितने भी अरिजीत सिंह के गाने हैं या अंकित तिवारी के सॉन्ग हैं बहुत अच्छे गाने चल रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था किसी अवार्ड फंक्शन पे कि देर आर थ्री सिंग्स, नंबर वन मीका सिंह, देन हनी सिंह, देन अरिजीत सिंह, सो सिंग्स आर ऑलवेज किंग, तो हमेशा मैं जो भी न्यू कमर्स होते हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, एंड अरिजीत एक बहुत ही मंजा हुआ कलाकार है, उसके अलावा अंकित तिवारी जो हालांकि उनके 2-3 गाने हिट्स हैं बट इवन ही इज वेरी गुड। अरिजीत का कोई गाना जो आपको दिल को पूरे कर हुआ हो और बहुत, जैसे मैंने बोला कि अंकित एंड अरिजीत दोनों मेरे फेवरेट हैं, सो आई विल सपोर्ट बोथ ऑफ देम। सर वर्ल्ड कप आज हम जीते हैं, क्या जी कितनी खुशी, वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल जीते हैं, सेमीफाइनल पहुंच गए, कितनी एक्साइटमेंट आपको होती है? वेल बहुत खुशी होती है जब इंडिया की टीम पूरे वर्ल्ड वाइड अपना इंडिया का नाम रोशन करते हैं, एंड स्पेशली धोनी इज ए फैंटास्टिक कैप्टन, आई थिंक जब से भी जिस भी मैच में वो गए हैं हमेशा वो जीत के आए हैं, और उनकी एक अपनी स्ट्रेटेजी है खेलने की और बहुत फील अच्छा फील होता है, तो इंडियन जब इंडिया टीम हमारी जीती उस भी हमने एक बॉटम अप जो गाना मैं चाहूँगा एक बार फिर दिलबाग बॉटम अप आई थिंक स्टार्ट विद मिलन ओके 1-2-3 स्टार्ट। टल्ली मेरे यार सारे रात है हसीन, जेड़ा अजना पिए उसाला कमीन, टल्ली मेरे यार सारे रात है हसीन, जेड़ा अजना पिए उस लक मीन, दुनिया भुला के यारा लक नू हिला के यारा ग्लास उठा के तू हवा च हाथ च, बॉटम्स अप आज भी के पानी का, बॉटम्स अप आज भी के पानी का, बॉटम्स अप आज भी के पानी का, बॉटम्स अप आज भी के पानी का। इंडिया टीम के लिए, इंडिया टीम के लिए तो गाएगा ना सर, एक अपना गाना, अपना गाना कौन सा था? ओके ओके, तो मैं जो भी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम से
सड़ता है जलता है उनके लिए मैं बोलूंगा खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं, ओ तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ, तू मेरे अगल मेरे अगल बगल हूँ। चलो थैंक यू सो मच। चलो मेरे भाई मेरे आका।